रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में खाद और बीज की कमी है। हरी भूमि INH ने इस खबर को दिखाया था, जिसका असर भी हुआ और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभाग को निर्देश दिए हैं सभी जिलों में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरना महामाया धान खास तौर पर उपलब्ध कराने के इनको निर्देश दिए। किसानों को खाद बीज की कमी नहीं होनी चाहिए और उनको परेशानी नहीं होने दी जाएगी, कहा रामविचार नेताम ने। तो इस खबर को हरी भूमि INH ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में खाद बीज की कमी को लेकर हमने खबर दिखाई थी और उसके बाद अब कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में खाद और बीज की पर्याप्तता होनी चाहिए, उन्होंने कहा। सरना महामाया धान खास तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। किसानों को खाद बीज की परेशानी नहीं होने देंगे, ये कहा कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर हरी भूमि INH की खबर का असर हुआ है गौरव, और किसान अब खाद बीज के लिए परेशान ना हो इसके सख्त निर्देश दिए हैं रामविचार नेताम जी ने। कई जिलों में खाद और बीज की इस वक्त कमी, खासतौर पर DAP की, और अगर बीज की बात की जाए तो सरना और महामाया किस्म की जो बीज है वो नहीं मिल पा रही है। हमने हरी भूमि और INH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसके संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरना और महामाया जिस धान क्वालिटी की बीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो उपलब्ध हो, और विभाग को इस बात के भी निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। सभी जो सोसाइटियां हैं उसमें खाद और बीज की पर्याप्त संग्रहण कर ली जाए। बारिश के समय में इसकी जरूरत ज्यादा होती है, तो किसानों को आसानी से सहजता से उपलब्ध हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दिए। सरना और महामाया को लेकर उन्होंने इसलिए भी निर्देश दिए हैं क्योंकि इसी किस्म की जो डिमांड है वो किसानों की ओर से आ रही है, और प्रदेश के कई जिलों में सरना और महामाया क्वालिटी के जो बीज है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कम बारिश, कम पानी और कम खाद के बावजूद ये अच्छा फसल देते हैं, इस वजह से इसकी डिमांड अधिक होती है, लेकिन यही उपलब्ध नहीं, और इसे उपलब्ध कराने का निर्देश कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिया है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से असर देखने को मिला हरी भूमि INH की खबर का, और किसानों की तकलीफ को देखते हुए इस खबर को हमने प्रमुखता से छापा था और चैनल में दिखाया था, जिसका असर अब हुआ है। देखिए सरना और महामाया धान का कुछ एक एरिया है, खास करके जो मैदानी एरिया है रायपुर संभाग में इसकी फसल जो है कुछ अधिक लेते हैं और इसका मांग भी अधिक है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त भी जिलों में जब मांग बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि वो किस्म के धान वहाँ कम पहुँच पा रहा है। फिर भी इस तरह की जो कहीं अगर विसंगति है, कोई अनियमित अगर कहीं पे है व्यवस्था, उसे व्यवस्थित करने का मैं प्रयास करूँगा।